हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुदर्शन पांडे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक एरा। गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो जैसा कि आपको पता है कि ब्लावर का नया इंटरफेस आ चुका है और मैंने उस नए इंटरफेस पे ट्यूटोरियल स्टार्ट किया है। ये मेरी 9th वीडियो है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो ऊपर के सेक्शन पर आई बटन है, उसे प्रेस कीजिए और वो सारी वीडियोज़ देखिए। सो आज के वीडियो में हम दो पॉइंट्स कवर करेंगे। सबसे पहला कि हमारे ब्लॉगर का जो कंटेंट है उसको हम कैसे कॉपी पेस्ट होने से बचाएं, और सेकंड कि हमें अगर कोई अपनी वर्ड की फ़ाइल या आपकी कोई प्रेजेंटेशन की फ़ाइल या आपके नोटपैड की कोई फ़ाइल भी हो, किसी भी एक्सटेंशन की फ़ाइल हो, वो आपको अपने ब्लॉग पोस्ट पे अपलोड करनी है और उस पर डाउनलोड लिंक लगाना है। सो ये कैसे करें, सो ये दोनों पॉइंट्स हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइज, सबसे पहले आप ब्लॉगर पे साइन इन हो जाएं और अपने डैशबोर्ड के अंदर आ जाइए। अब मैं व्यू ब्लॉग पे क्लिक करके अपने ब्लॉग पे विजिट करता हूँ। सो यहाँ पे मैं अपनी एक पोस्ट यहाँ पे खोलता हूँ, रीड मोर पे मैं क्लिक करता हूँ। सो यहाँ पे मेरी पोस्ट ये खुल गई है। सो इस पे एक इमेज है और कंटेंट है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे कंटेंट ईजिली कॉपी और पेस्ट हो रहा है। अब मुझे ये कॉपी पेस्ट होने से रोकना है और साथ साथ इस पोस्ट के अंदर मुझको एक फाइल लगानी है जिसपे विजिटर्स जो है उसको डाउनलोड कर सकें। सो वापस अपने ब्लॉगर डैशबोर्ड पे जाइए और लेआउट पे क्लिक करिए। सो मैं डिस्क्रिप्शन पे आपको एक स्क्रिप्ट दूंगा, फाइल दूंगा, तो उस पर स्क्रिप्ट है तो आप उसको कॉपी करिए और वापस अपने ब्लॉगर डैशबोर्ड पे आइए। यहाँ पे लिखा है ऐड अ गैजेट, उस पर क्लिक करिए। HTML एंड JavaScript पे जाइए और सिंपली यहाँ पे उसे पेस्ट कर दीजिए जो स्क्रिप्ट आपने कॉपी करी है एंड सेव पे क्लिक कर दीजिए। सो अब आप वापस जाइए अपने ब्लॉगर पे यहाँ पे और पेज शो कर दीजिए रिफ्रेश। सो आप देख सकते हैं कि अब जो है ये कॉपी और पेस्ट नहीं हो रहा है। सो कितना आसान है ये करना। सो अब हम डालेंगे एक फाइल जिसको विजिटर्स करेंगे डाउनलोड। सो उसके लिए आपको खोलना पड़ेगा एक नया टैब। सो फिर आप खोलिए यहाँ पे गूगल ड्राइव। अगर आपकी फ़ाइल पहले से अपलोड है तो उसको सेलेक्ट करिएगा, अगर अपलोड पहले से नहीं है तो न्यू पे क्लिक करिए एंड फाइल अपलोड। फिर जिस भी फोल्डर में आपकी फ़ाइल पड़ी है उसको कर लीजिए सेलेक्ट एंड क्लिक ऑन ओपन। सो मेरी फाइल यहाँ पे अपलोड हो चुकी है, ये देखिए। एंड इस पर राइट क्लिक करके मैं गेट शेयरेबल लिंक पे क्लिक करूँगा और कॉपी लिंक इस पर आप क्लिक करिए। उसके बाद इसको अपने एक नोटपैड पे जो है पेस्ट कर दीजिए। सो अब मैं आपको एक लिंक दूंगा, नीचे एक आपको फाइल दूंगा, आप वो फाइल खोलेंगे तो आपको ये इतना कोड मिलेगा। सो आपको करना क्या है, जो फाइल आईडी लिखी है इसकी जगह आपको अपनी फाइल आईडी लिखनी है। फाइल आईडी आपकी क्या है, ये। ये पोर्शन जो है ये है आपकी फाइल आईडी। सो आपको ये सिंपली करनी है कॉपी, और जहाँ पे ऊपर फाइल आईडी लिखा है आपको वहाँ पे कर देनी है पेस्ट। फिर नीचे वाले को हटा दीजिए आप, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। फिर ये ऊपर वाला जो बचा है इसको करिए कॉपी, कंट्रोल सी, और वापस चलिए अपने ब्लॉगर के डैशबोर्ड पे। यहाँ पे करिए न्यू पोस्ट पे क्लिक।
फिर यहाँ पे लिख दीजिए टाइटल डाउनलोड फाइल। सो आप यहाँ पे लिखिए क्लिक द बिलो बटन टू डाउनलोड द फाइल। इसको कर दीजिए सेंटर में, थोड़ा सा कस्टमाइज कर दीजिए, इसका साइज बढ़ा दीजिए, लार्ज कर दीजिए, कलर चेंज कर दीजिए इसका, एंटर प्रेस करिए और एक डाउनलोड बटन की इमेज गूगल से डाउनलोड कर लीजिए और फिर यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। सो यहाँ पे हमारी ये इमेज अपलोड हो गई है एंड सेलेक्ट इसको, इसको नीचे करिए, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। सो अब इसको सेलेक्ट करिए इमेज को और यहाँ पे आप ऑप्शन देख रहे हैं इंसर्ट एंड एडिट लिंक, इस पर क्लिक करिए, क्रिएट लिंक यूआरएल पे क्लिक करिए पहले वाले पे और यहाँ पे वो पेस्ट करिए जो आपने अभी यहाँ से ये कॉपी किया था, जो आपने ये वो यहाँ पे आप पेस्ट कर दीजिए कंट्रोल वी। एंड इस वाले ऑप्शन को, पहले वाले को आप टिक कर देंगे, इस बॉक्स को टिक कर देंगे एंड ओके, दैट्स इट आपका हो गया। अगर आपको लेबल लगाना है तो आप लेबल लगा सकते हैं एंड आप पब्लिश पे क्लिक कर दीजिए कंफर्म। सो अब हम करते हैं अपना व्यू ब्लॉक पे क्लिक, अब हम करते हैं रीड मोर। सो गाइस देखिए मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा एक नया टैब खुलेगा और हमारी देखिए ये पीडीएफ फाइल डाउनलोड हो रही है। सो आप देख सकते हैं कितना इजी है डाउनलोड फाइल लगाना और अपने कंटेंट को कॉपी पेस्ट होने से रोकना। सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक बात और, जैसे मैंने यहाँ पे ये नई पोस्ट पे बना के मैंने लिखा है ये, अगर आप चाहें तो वो एक चीज़ कॉपी करके आप किसी भी पोस्ट में कॉपी कर सकते हैं उसे, जो आपने आईडी जो कॉपी करी है आपने नई पोस्ट पे इसको पेस्ट किया है, आप इसको चाहें तो अपनी किसी भी एग्जिस्टिंग पोस्ट के अंदर भी इस आईडी को पेस्ट कर सकते हैं, वो फाइल ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगी। सो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।